तो आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक का शेयर है दोस्तों। और दोस्तों मैंने यहाँ पर वीकली फ्रेम पर वीकली चार्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक जो देखने को मिल रहा है वन डे के साथ, तो यहाँ पर स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वीकली का यहाँ पर 2.33% की बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों तो एक सप्ताह का यहाँ पर 24 रूपए की बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक के मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनाने की संभावना है, बना सकता है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टॉक का, तो दोस्तों यहाँ पर 1068 और 1063 रूपए पर स्टॉक ने मेजर सपोर्ट बना रखा है। स्टॉक का जो एक और सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो की 1049.48 रूपए पर स्टॉक बाइंग के साथ अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात करें एक्सिस बैंक का शेयर है, क्लोजिंग यहाँ पर 1061.50 रूपए पर स्टॉक देखने को मिला है। एक दिन की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर गैप अप के साथ अच्छा खासा मोमेंटम जरूर बनाया था। 1067 से लेकर 1075 रूपए तक स्टॉक ने हाई दिया 80 रूपए, उसके फिर वहां से फिर भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। और 80 से लेकर अगर बात करें आज के यहाँ पर ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ, तो यहाँ पर स्टॉक में 5.55 रूपए की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है जो कि 0.52% की देखने को मिल रही है। मंथली का चार्ट देखे स्टॉक बाइंग के साथ मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर यहाँ पर 1050 से ऊपर अगर परफॉर्मेंस करता है तो स्टॉक की बाइंग से ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वन ईयर के साथ स्टॉक 21% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है और 187 रूपए का प्रॉफिट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बात करें आज के टूडे लो की, तो यहाँ पर 1058 रूपए का टूडे लो देखने को मिला है। टूडे हाई 1080 रूपए देखने को मिला है। 52 सप्ताह का लो स्टॉक में यहाँ पर 814 रूपए देखने को मिल रहा है और 52 सप्ताह का ही 1151 रूपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया जिम्मेदारी पर निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टॉक में यहाँ पर बजाज फाइनेंस के शेयर में स्टॉक देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ पर मैंने दोस्तों एक साल का चार्ट ओपन कर रखा है और 605 रूपए का प्रॉफिट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आज की और वीकली की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक साल की रिटर्न की बात करें तो स्टॉक में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी के समय में स्टॉक यहाँ पर गिरावट के साथ मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार में यहाँ पर स्टॉक जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट बनने की बात करें तो स्टॉक 6390 पर स्टॉक संभावनाएं बना सकता है सपोर्ट। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं सपोर्ट बनाकर अगर अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो हाई पर जाने की संभावनाएं फिर बन सकती है। बात करें यहाँ पर वनडे की, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉक ने भारी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, 240 रूपए की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है जो कि 3.51% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ पर वीकली फ्रेम में देखिए तो स्टॉक ने यहाँ पर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ है 7200 रूपए से लेकर स्टॉक यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक डाउन 6910 रूपए तक ब्रेक हुआ और धीरे धीरे ट्रेडिंग भी यहाँ पर गिरावट के साथ ही देखने को मिली। बात करें मंथली की, तो यहाँ पर एक महीने का 1000 रूपए यहाँ पर स्टॉक में टूटे हैं और 13.90% यानी कि 14% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। गिरावट के समय स्टॉक में बाइंग की संभावनाएं ज्यादा बन सकती है। स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको चैनल जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर वन डे की टूडे लो की, तो यहाँ पर 6600 रूपए टूडे हाई 6895 रूपए देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 5485 और 52 सप्ताह का हाई यहाँ पर स्टॉक पे देखने को मिल रहा है 8192 रूपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। पावर का शेयर देखने को मिल रहा है, अडानी पावर के शेयर में जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज की डेट में स्टॉक क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, शेयर का प्राइस जो कि 546.30 रूपए देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर दोस्तों जो कि देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने यहाँ पर 451 रूपए का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 417% रिटर्न स्टॉक का देखने को मिल रहा है ऑल टाइम। बात करें दोस्तों स्टॉक की जो वन ईयर की, तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा गिरने की संभावना है, बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो कि मेजर सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है 521 और दोस्तों सपोर्ट अगर गिरता है तो 521 पर सपोर्ट बनाने की संभावनाएं बना सकता है। एक साल के अंतर्गत स्टॉक ने यहाँ पर 200% के आसपास रिटर्न यहाँ पर स्टॉक ने दिया है और 363 रूपए का बढ़ोतरी देखने को मिली है। वन मंथ के हिसाब से देखिए तो स्टॉक का जो सपोर्ट वही है 518 और 516 520 के आसपास स्टॉक सपोर्ट रेंज के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट बनाता है दो जगह यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो कि एक सपोर्ट यहाँ 530 और 500 पे देखने को मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 543 स्टॉक और 500
33 पर देखने को मिल रहा है। 1 महीने के अंतर्गत स्टॉक ने यहाँ पर 8 रुपए 33 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, 1.51% की गिरावट है। वीकली चार्ट करने में अगर देखिए तो स्टॉक यहाँ पर ज्यादा लोअर के साथ देखने को मिल रहा है, 4.28% की गिरावट है, 24 रुपए की गिरावट, और वन डे की भी स्टॉक गिरावट ही देखने को मिल रही है। स्टॉक बाइंग साइड मोमेंटम अगर बनाता है तो 520 तक स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, 530 से 520 तक नीचे के लेवल पर सपोर्ट बनाकर अपसाइड मोमेंटम बना सकता है। 13 रुपए 10 पैसे की गिरावट वन डे की देखने को मिल रही है, 2 डेज लो 545, ऊपर 2 डेज हाई 565 रुपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। मोटर्स का शेयर यहाँ पर आपको लिए देखने को मिल रहा है दोस्तों, आज के डेट में टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छा गैप अप के साथ रिटर्न देखने को मिला है, 5.47% की स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली है, स्टॉक वहीं पर ट्रेंड देखने को मिला, ज्यादा गिरावट भी स्टॉक ने देखने को नहीं मिली, गैप अप के साथ अच्छा खासा ओपन हुआ है और 48 रुपए की बढ़ोतरी स्टॉक ने देखने को मिली है, 5.5% की स्टॉक में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स का शेयर 926.80 रुपए पर स्टॉक प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग के साथ देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड की मोमेंटम बनाई है स्टॉक ने, और दोस्तों वीकली फ्रेम में भी स्टॉक यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और भी गैप अप स्टॉक बना सकता है दोस्तों, यानी कि स्टॉक यहाँ पर गैप अप में और रिटर्न देने की संभावनाएं बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिली, फिर अच्छा खासा यहाँ पर स्टॉक ने गिराव और गैप अप ओपन देखने को मिला, यानी कि 117 रुपए की बढ़ोतरी 1 सप्ताह के अंतर्गत देखने को मिल रही है और 14% की बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 1 महीने का चार्ट भी आप दोस्तों देख सकते हैं 1 मंथ के अंतर्गत, और दोस्तों यहाँ पर 131 रुपए का बढ़ोतरी है, 16% की रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1 ईयर का भी स्टॉक यहाँ पर अच्छा खासा हाई पर देखने को मिल रहा है, 109% का रिटर्न 1 साल के अंतर्गत स्टॉक ने दिया है, और दोस्तों 485 रुपए स्टॉक पर 1 शेयर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 2023 में या मार्च में 416 रुपए पर स्टॉक प्राइस था, और आज की डेट में आप स्टॉक देख सकते हैं जो कि 926 रुपए पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई पर स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने यहाँ पर सारे हाई ब्रेक किए हैं दोस्तों, दोस्तों की ऑल टाइम यहाँ पर 2911% रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न बाजी भी देखने को मिली है। 2 डेज परफॉर्मेंस के अनुसार यहाँ पर 2 डेज लो 915 रुपए, 2 डेज हाई 950 रुपए देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पर 52 वीक हाई पर देखने को मिल सकता है, यानी कि 950 रुपए पर स्टॉक और जाने की संभावनाएं बन सकता है, और 52 सप्ताह का लो यहाँ पर 400 रुपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। आईटी सेक्टर का यहाँ पर इंफोसिस कंपनी का शेयर देखने को मिल रहा है, और आईटी सेक्टर के इस शेयर में यहाँ पर आज की डेट में स्टॉक 0.36% की गिरावट स्टॉक में यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है और गिरावट भी देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक हाई गया फिर लो आया फिर हाई गया और फिर हाई पर हाई फिर लो गया, यानी कि स्टॉक में यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है, स्टॉक में ज्यादा अच्छी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को नहीं मिली, माइनस में यहाँ पर 6.15 रुपए देखने को मिला है। वीकली फ्रेम में देखिए तो स्टॉक को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर एक शेप देन बनाया है, डब्ल्यू शेप देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ जो कि यहाँ से स्टॉक हाई पर 1686 से फिर लो गया 1648 और फिर हाई गया छोटा सा और 1671 फिर लो गया 1660, फिर अच्छा खासा हाई के साथ स्टॉक यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, 1713 रुपए देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक की मोमेंटम हाई पर देखने को मिल रही है। स्टॉक यहाँ से फिर बाइंग साइड मोमेंटम बनाने की संभावना है बना सकता है। 1 वीकली फ्रेम में स्टॉक का 17.85 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 1.1% का रिटर्न भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मंथली की अगर बात करें तो स्टॉक यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर जो की लोअर पकड़ रखा है 1650 रुपए का जो लोअर सर्किट यहाँ पर स्टॉक ने पकड़ रखा है, और स्टॉक यहीं पर मोमेंटम करता हुआ गैप अप के साथ अच्छा खासा हाई मोमेंटम बना सकता है। तो जो कि यहाँ पर 1 महीने के अंतर्गत स्टॉक में 10% का रिटर्न है, 154 रुपए की बढ़ोतरी है। 1 ईयर का देखें तो स्टॉक यहाँ पर 1 साल के साथ स्टॉक थोड़ी सी ब्रेकडाउन गिरावट देखने को मिल सकती है, 1 साल के चार्ट के हिसाब से थोड़ी सी गिरावट संभावनाएं बन सकती है। 85 रुपए का प्रॉफिट है, 5.32 का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से देखिए तो स्टॉक जो की 125% का रिटर्न है, स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम किया है 1200 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक, और 936 रुपए का प्रॉफिट 5 ईयर के चार्ट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक करने की संभावना बना सकता है, जो कि 2021 में स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था 1700
50 रुपए तक स्टॉक जाने की संभावना है। 52वीं खाई यहाँ पर स्टॉक का 1718 रुपए है, यहाँ पर स्टॉक क्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। टुडेज परफॉर्मेंस के अनुसार यहाँ पर स्टॉक का 1681 रुपए है और टुडेज हाई यहाँ पर 1700 रुपए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।